तो गाइस आ चुका हूँ और एक नए वीडियो के साथ वापस। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्विक अपडेट वीडियो होने वाला है। वैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा पबजी मोबाइल जो है इंडिया के अंदर बैन होने वाला है। लेकिन गाइस आप जो पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर बैन नहीं होगा वो क्यों नहीं होगा, जब आप पबजी मोबाइल को आज ओपन करोगे आप में से बहुत सारे लोगों ने तो अब तक ओपन कर लिए होंगे, तो जैसे आप ओपन करोगे ओपन करने के बाद ही आपके पास इस तरीके का कुछ नोटिस आ जाएगा जो कि प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड होगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कि प्लीज नोट that your privacy policy for user in Indian has recently been updated। तो गाइस यहाँ पर जो privacy policy को अपडेट किया है इंडियन यूजर्स के लिए। वैसे PUBG मोबाइल जानता है कि जो भी ज़्यादातर PUBG मोबाइल का जो यूज़र है वो इंडियन है, तो इसके वजह से गाइस PUBG मोबाइल के अंदर जो अपडेट कर दिया गया है क्योंकि कुछ प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड कर दिया गया है, इसके वजह से गाइस PUBG मोबाइल आप जो है इंडिया के अंदर बैन नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो क्या जो नया पॉलिसी को ऐड किया गया है। तो गाइस अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप लोग जाकर सीधा जैसे कि आप लोग देख सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे आप लोग जाकर उसको पढ़ सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको चले जाना है नीचे एकदम, आपको इंडियन जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है उनको जाकर पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आप लोग को दिखा देते हो, पहले तो मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया और उसको गाइस हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप लोग गाइस पढ़ सकते हो। तो गाइस अगर आप इसको पूरा पढ़ लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि पबजी मोबाइल कोई भी हमारा जो डेटा है उसको किसी भी थर्ड पार्टी या फिर कहीं पर भी उसको नहीं बेचता, इसके वजह से गाइस आप जो पबजी मोबाइल बैन से हट गए हैं। आप पबजी मोबाइल इतना तो गारंटी है पबजी मोबाइल आप बैन नहीं होगा, तो आप जो एक बार पढ़ लेना प्राइवेसी पॉलिसी को। और गाइस यहाँ पर पबजी मोबाइल ने और एक एज रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जो कि आप लोग इसको पढ़ सकते हो। तो आप लोग एक बार प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ लेना तो गाइस आपको जो पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो भी लोग बहुत सारे लोग जो टेंशन ले रहे थे कि पबजी मोबाइल जो है इंडिया के अंदर बैन होगा, लेकिन भाई लोग आप चिल मारो क्योंकि पबजी मोबाइल जो है इंडिया के अंदर बैन नहीं होगा, जो कि बहुत ही खुशखबरी है। और गाइस अब जो पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर बैन नहीं होगा, तो जो लोग भी टेंशन ले रहे हैं कि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर बैन होगा, तो गाइस आप जो टेंशन मत लो क्योंकि पबजी मोबाइल आप बैन से हट गया है। और गाइस पबजी मोबाइल जो उतना ज़्यादा डाटा को हमारा चोरी नहीं करता। वैसे अगर हम पबजी मोबाइल को इंस्टॉल करते हमें सिर्फ माइक और स्टोरेज का परमिशन देना पड़ता है। दूसरी एप्स के मुकाबले अगर हम किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते तो हमें सही गैलरी का परमिशन देना पड़ता है, सब कुछ का परमिशन देना पड़ता है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है पबजी मोबाइल के अंदर सिर्फ हमें माइक और स्टोरेज का परमिशन देना पड़ता है, इतना ही रहता है पबजी मोबाइल के अंदर। तो इसके वजह से गाइस आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पबजी मोबाइल आप बैन से हट चुका है, आप पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर बैन नहीं होगा। तो गाइस आप जैसे ही पबजी मोबाइल को ओपन करोगे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आप अगर कंटिन्यू के ऊपर नहीं क्लिक करोगे, यहाँ पर अगर आप जैसे आई एम नॉट इन इंडियन क्लिक करोगे तो हो सकता है कि जब कुछ होगा तो आप जो इंडिया से नहीं खेल पाओगे, ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे मैं आप लोग को यहाँ पर बता नहीं सकता कि क्या होगा, तो आपको जो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस आप जैसे प्राइवेसी पॉलिसी को कंटिन्यू कर दोगे तो आप लोग समझ सकते हो क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर कुछ नया चीज़ों को ऐड किया गया है, इसके वजह से पबजी मोबाइल जो है इंडिया के अंदर बैन नहीं होगा। तो गाइस यही था छोटा सा क्विक अपडेट वीडियो। तो गाइस आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना, क्योंकि गाइस तो उनको भी पता चलना चाहिए कि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर बैन नहीं होगा। तो अपने दोस्तों के इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। और गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बगल वाले बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।